फास्फोरिक एसिड। जी हाँ, आज इस दवा के बारे में हम चर्चा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। फास्फोरिक एसिड भी एक बहुत बड़ी दवा है, जैसे फास्फोरस जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फास्फोरस या फास्फोरिक एसिड उन लोगों के अंदर काम करती है जो है तो लंबे लेकिन बहुत ही ताकतवर हैं, उनका मस्कुलर बिल्ड बहुत अच्छा रहता है, लाइक कॉस्टिकम, वेल बिल्ड, रोबस्ट जिसको बोलते हैं। एकोनाइट, ब्रायनिया, कॉस्टिकम और फास्फोरिक एसिड इन लोगों के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। तो दिखने में तो हष्ट पुष्ट रहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज के एसिड ग्रुप साथ में है फास्फोरस के साथ, इसीलिए वीकनेस एक इंपॉर्टेंट सिम्टम आ जाता है। तो पर्सन के अंदर वीकनेस इतना नहीं रहता, पेशेंट में वीकनेस बहुत ज्यादा रहता है। फास्फोरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है जिसके अंदर सेक्सुअल एपेटाइट कहीं गुना ज्यादा है, एवरेज ड्रग्स से 3 गुना ज्यादा रहती है सेक्सुअल एपेटाइट। इसको हम होम्योपैथी के लैंग्वेज में निम्फोमेनिया कहते हैं या सेटेरियासिस कहते हैं या ओनेनिज्म कहते हैं, मतलब टेंडेंसी मास्टरबेशन या प्री मेच्योर इजैकुलेशन बहुत ही कॉमन है फास्फोरिक एसिड के अंदर। बिकॉज फास्फोरस एसिड के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इनका जो स्वभाव रहता है ये भी बहुत माइल्ड रहता है, जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, नहीं नहीं बोलते, और पल्सिटला, लिलिमटिक, मेडोरिनम, कॉस्टिकम जैसे भी उनको सहानुभूति दूसरों से रहती है। फास्फोरिक एसिड अक्सर अगर कोई एलिमेंट फॉर्म आ जाए, जैसे सेक्सुअल एक्सेसेस हो गए, जैसे मैंने कहा उनको उनकी सेक्सुअल एपेटाइट कोई कहीं की ज्यादा रहती है, तो एक्सट्रीम अगर हो गया या कोई वायलेंट एक्यूट डिजीज आ गया, जैसे कोविड ही आ गया या कोई एक्सट्रीम वायरल फीवर आ गया, बहुत सीवियर फीवर आ गया, या टाइफाइड हुआ तो बहुत ज्यादा आ गया, तो ऐसे कंडीशन के अंदर वो पेशेंट बन जाता है। या लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, कोई ऐसा दुख जो बहुत लंबे समय तक वो पेशेंट होल्ड करते आ रहा है लेकिन अब सहन नहीं होता और वो पूरी भड़ास बाहर निकल रहा है। या इमोशनल सेटबैक्स, प्यार के अंदर हो या कोई रिलेशनशिप के अंदर हो, या किसी इंसान को लगे कि मेरे माँ बाप ने मुझे ज्यादा प्यार नहीं किया, मेरे भाई बहनों को ज्यादा प्यार किया, अब ये चीज घर बस गई है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर फास्फोरिक एसिड फिर पर्सन नहीं रहता, पेशेंट में आता। शेम, अगर किसी ने उसे ऐसा कुछ काम हो गया हो जिससे उसको खुद को गिल्टी लगता हो, तो गिल्ट के मारे पेशेंट इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है कि वो पूरी बीमारी लेके आता है। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं, यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे, और बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन कंसल्टेशन आपके लिए अवेलेबल है। फास्फोरिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, ये फास्फोरिक एसिड जब पेशेंट बन जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सेसिव वीकनेस। ये वीकनेस कहीं मेंटल ज्यादा रहती है, फिजिकल कम, और ये वीकनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी होम्योपैथी में चाइना के बाद फास्फोरिक एसिड ही है। और वो अपना ऐसे तो वो बहुत हसमुख मिलनसार रहता है जैसे फास्फोरस रहता है, फास्फोरिक एसिड भी उतना ही रहता है हसमुख, लेकिन एक बार वो पेशेंट बन जाता है तो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता है, किसी के साथ नहीं चाहिए वो, और तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मतलब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, एक ही चीज रहता है पड़े रहने का, नींद नहीं आती उसको, उसको बोलते लाइज लाइक ए लॉग ऑफ वुड, मतलब बस पड़े है। मां बोलती है कि पिताजी बोलते हैं अरे भाई जाना काम पे, मुझे नहीं जाना, रोने लगता है अगर आपने कुछ ज्यादा ही इन्हें टोचा मारा तो, और धीरे धीरे खाना पीना उसको इतना कम हो जाता है कि उसकी आंखें संकीर्ण हो जाती है, फेस बिल्कुल पेल हो जाता है, हेडेक होने लगता है, खास करके एग्जाम के टाइम पे या कोई प्रोजेक्ट अगर सबमिट करना है तो बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक होता है, और उसके लिए भी फास्फोरिक एसिड एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है, जैसे पल्सिटला, अर्जेंटिम नाइट्रिकम, नाइट्रोमूर जैसा। पेनलेस डायरिया हो जाता है, पेनलेस लेकिन नॉन मरोड़ नहीं, कुछ नहीं, बस बार 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 बार, और यहां पर
अनलाइक फॉस्फोरस लूज मोशंस होते हैं, एक्चुअल लूज मोशंस होते हैं, और उससे और फिर उसको परेशानी होती है। इनफैक्ट जब फॉस्फोरिक एसिड पेशेंट बनता है तो सबसे पहली बीमारी जो लेके आ सकता है वो है डायबिटीज, और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। एंड उसको हम लो पोटेंसीज में विद फ्रीक्वेंट रिपीटेशंस देते हैं, 1x 2x 3x, ये पोटेंसी में देते हैं, या 0/1 0/2 0/3, बहुत ही अच्छा शुगर कंट्रोल फॉस्फोरिक एसिड में होता है। और खास करके फॉस्फोरिक एसिड पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट है और उसके साथ में उसको इंपोर्टेंसी आ गई, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया, मतलब शीघ्र पतन हो गया, तो ऐसे कंडीशन के अंदर तो फॉस्फोरिक एसिड नंबर वन रेमेडी आ जाती है। सेलिनियम फॉस्फोरिक एसिड पहला सोचना पड़ता है, और बहुत जल्दी ये शीघ्र पतन को कंट्रोल करती है। दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड डायबिटिक पेशेंट अगर है और उसके अंदर बुखार आता है तो ये बुखार जल्दी निकलता नहीं, जल्दी जाता नहीं है, और उसके अंदर वीकनेस भी बहुत ज्यादा आता है, एक सरी का बुखार रहता है। ये बुखार को कंट्रोल करने के लिए, एट द सेम टाइम शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी फॉस्फोरिक एसिड हम यूज करते हैं। दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड बहुत बड़ी रेमेडी है, मैंने एक संक्षिप्त में बताया आपको। आपको कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां भी पूछ सकते हैं। हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजॉन पे, बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ मायाजम्स, जिसके अंदर मैं जो सभी रेमेडीज बताता हूं वो सभी दी गई है अच्छे से। स्किन मिरर ऑफ सिक इकोनॉमी, ये कमाल की किताब है, जस्ट बिकॉज कि हमने लिखी है इसलिए नहीं, लेकिन है सच्ची में, डॉक्टर कासिम सर ने लिखी हुई है ये। नोसोड्स और केस टेकिंग, आप कोई भी किताब सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले ड्रग के साथ, लगे रहिए, तब तक इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच।